नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास। आरपीटीवी न्यूज़ के सभी दर्शकों और सहयोगियों का हार्दिक आभार। 10,000 सब्सक्राइबर होने पर बड़वानी कलेक्टर श्री अमित तोमर एवं पुलिस अधीक्षक श्री डीआर तेनिवार ने बड़वानी नगर में बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र का किया भ्रमण। इस दौरान उन्होंने लोगों से चर्चा कर उन्हें घर में ही रहने का किया अनुरोध, साथ ही अत्यावश्यक सेवाओं की घर पहुंच व्यवस्था की भी ली जानकारी। बड़वानी कलेक्टर श्री अमित तोमर और पुलिस अधीक्षक श्री डीआर तेनिवार ने जमीनी धरातल पर लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का लिया जायजा और इन्होंने कंटेनमेंट क्षेत्र में भी जाकर किया निरीक्षण। जिले में 24 कोरोना पॉजिटिव संख्या होने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इसीलिए पुलिस अधीक्षक श्री डीआर तेनिवार ने भी जिन एरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं वह 200 मीटर का एरिया सील कर पुलिसिया व्यवस्था का किया निरीक्षण। वहीं कलेक्टर श्री अमित तोमर ने भी नो मूवमेंट जोन, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज रहते हैं उसी जगह का देखा किस प्रकार से होम डिलीवरी की व्यवस्था हो रही है और किस प्रकार से किसी व्यक्ति को या आमजनों को कोई समस्या तो नहीं है, इसी चीज़ का भी निरीक्षण किया। आज वार्ड 2 पूजा स्टेट रुक्मणी नगर टीबी वार्ड, जिन जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज बड़वानी में मिले हैं उन जगह का किया है निरीक्षण। बनाए गए हैं उनका निरीक्षण किया है मेरा और एसपी साहब के द्वारा। कंटेनमेंट जोन में जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। नो मूवमेंट जोन बना हुआ है और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई होम डिलीवरी हो रही है, तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जहाँ पर केसेस निकल कर नहीं आ रहे हैं वहाँ पर भी प्रयास जारी है कि लोग लॉकडाउन की शर्तों का पालन करें।